गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम बी एड फर्स्ट ईयर के पैडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अर्थ की स्टडी करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान से जैसे इसमें समाज और मनुष्य के पारस्परिक संबंधों जो उसकी सामाजिक अंतःक्रिया है उसका अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के ये सामाजिक विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। तो जितने भी हमारे समाज शास्त्री हुए हैं, चाहे मैक्स वेबर है, चाहे दुर्खिम है, चाहे ऑगस्ट कॉम्टे हैं, इन सभी के अगर विचारधाराओं को देखते हैं तो सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन करता है। यानी व्यक्तियों के जो समाज है उन समाज के अंदर उसके सामाजिक पर्यावरण में होने वाली गतिविधियों का क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर जो मनुष्य के संबंध है, मनुष्य के संबंधों का तथ्यात्मक विश्लेषण करता है, तथ्यात्मक विश्लेषण करता है। तो इस प्रकार विश्लेषण के साथ साथ उनका वर्णन भी करता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक विज्ञान है वो समाज का विज्ञान माना जाता है। तो इस सामाजिक विज्ञान में जितने भी हमारे सामाजिक और भौतिक कारक हैं, तो इन सामाजिक और भौतिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जो मानव संबंधों को प्रभावित करते हैं। और इन भौतिक कारकों के अध्ययन हेतु इन कारकों का विश्लेषण किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर ही फिर इनका अध्ययन किया जाता है। तो आज हम पाने कि समाज में व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि वह किसी न किसी व्यक्तियों से अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह करता है, चाहे वो पारिवारिक के अंदर हो, चाहे वो अपने जॉब फील्ड में हो। तो इस प्रकार जो मनुष्य है वो सामाजिक समूह के रूप में निवास करता है और समूह में निवास करने के कारण वह जो भी समाज के विभिन्न प्रकार के संगठन है, समूह है, उनकी उत्पत्ति, उनका जो क्रमबद्ध विकास हुआ है उसकी भी स्टडी हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है वो समाजों की उत्पत्ति, उनके विकास क्रम का एक क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विषय है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके अंदर यह सामाजिक विज्ञान एक बहुमुखी विषय है। बहुमुखी विषय यानी बहुमुखी विषय से तात्पर्य है कि सामाजिक विज्ञान की जो अध्ययन सामग्री है वो विभिन्न विषयों से ली जाती है। जैसा कि हमने पूर्व में भी स्टडी की है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास है, अर्थशास्त्र है, हमारा जो राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, दर्शन है यानी प्राणी शास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन सभी की विषय सामग्री का अध्ययन इस सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता गया वैसे वैसे सामाजिक विज्ञान का भी वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई देता है। और इसके अंदर जो भी हम इन बहुमुखी विषयों के आधार पर जो हम विषयों जो कंटेंट है जो सामाजिक विज्ञान में हम सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं उसकी जो कंटेंट है विषय वस्तु
वो विषय वस्तु समय सापेक्ष है, यानी समय के आधार पर बदलती रहती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में लचीलापन है, उसकी करिकुलम के अंतर्गत समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार ये जो सामाजिक विज्ञान है वो एक गत्यात्मक विषय है, अर्थात इसकी जो विषय वस्तु है वो एक स्थायी नहीं है कि बच्चों को यही पढ़ना है, बल्कि समय और समाज की आवश्यकता या मांग के अनुसार, समाज की आदर्शों के अनुरूप जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनके अनुसार वो बदलती रहती है। नेक्स्ट इसमें आता है कि यह एक ऐसा अनुशासन है जो संज्ञान और आलोचनात्मक समझ का विकास करती है, यानी जब स्टूडेंट इसकी स्टडी करते हैं तो उन स्टडी के अंतर्गत हमारे आसपास का जो समाज है, हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है, उस सामाजिक पर्यावरण का और उसके अंदर हो रहे जो भी परिवर्तन है उस समाज में, उसका संज्ञान यानी ज्ञान बालकों को प्रदान करता है। साथ ही उनके अंदर जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, यानी किसी भी समस्या या मुद्दे या किसी भी विषय वस्तु पर वो विचार कर सकते हैं, उसकी आलोचना का मतलब है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, इन दोनों को, कमियाँ इत्यादि, दोष वगैरह, इन सबको देखते हुए उनके अंदर समझ का विकास भी करता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो बात आती है कि ये एक यथार्थवादी विचारधारा है, रियलिस्टिक, यथार्थवादी विचारधारा पर केंद्रित है, विचारधारा विचारधारा पर केंद्रित है, यानी इसके अंदर जो मनुष्य के आपसी संबंध है, जो सामाजिक पर्यावरण के अंदर जो हमारे समाज है उसकी संस्कृति है और जो भी समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनका वास्तविक रूप से अध्ययन करता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन समस्याएं, उन मुद्दों पर चर्चा करता है, विश्लेषण करता है और उसका जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है और उसके आधार पर जब हम किसी समस्या को लेते हैं तो उसका प्रॉपर रूप से समाधान भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार ये यथार्थवादी विचारधारा पर केंद्रित है। आज समाज की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो बाल श्रम से संबंधित हो, क्षेत्रवाद से संबंधित हो, भाषावाद से संबंधित हो, नक्सलवाद से संबंधित हो, तो इनका जो वास्तविक दृष्टि परिप्रेक्ष्य विचारधारा का, उस पर फोकस करता है ये सब्जेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर आता है ये अपनी एक देश देश की एक देश की आवश्यकता की पूर्ति दूसरे देश पर निर्भर। तो ये सोशल साइंस सब्जेक्ट विद्यार्थियों के अंदर ऐसी समझ का विकास करता है कि आज के इस विकासशील युग में कोई भी देश अपना विकास स्वयं नहीं कर सकता, बल्कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देश पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार की अवधारणात्मक समझ भी बालकों के अंदर ये सामाजिक विज्ञान विषय बताता है। साथ ही इसका जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य और समाज है, प्लस समाज सामाजिक विज्ञान का
एक तरह से कह सकते हैं हम केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु होने के कारण ये मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही जो भी घटनाएं समाज के अंदर घटित होती है, जो तत्कालीन है, उसको उसके जो व्याख्या है वो मनुष्य को केंद्र में रख करके करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान का अर्थ देखा। आज का असाइनमेंट, इसमें क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान का अर्थ अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।